बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम मेटलर्जी का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कहा था पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड द थर्ड स्टेप इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फर्स्ट स्टेप जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और था, उसमें हम सिंपल और में से गेंग्यू को या इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके थ्री मैथड्स थे, ग्रेविटी सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रॉक सोडेशन प्रोसेस, राइट जी। आज हम इसका सेकंड स्टेप मेटलर्जी का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी एक्सट्रैक्ट करना है अब मेटल को फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेट ओर, यानी जो ओर हमें ऑब्टेन होगा आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव करने के बाद जो ओर ऑब्टेन होगा उसकी हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में जो है वो केमिकल रिडक्शन हो सकती है, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा जो कि रिफाइनिंग में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें फर्दर हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज़ रोस्टिंग, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया है हमारे पास आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसको हम रोस्ट करेंगे, यानी उसको हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड स्टेप इज़ स्मेल्टिंग, यानी जो रोस्टेड ओर है, जो यहाँ पर रोस्टिंग के बाद ऑब्टेन हुआ है हमें, उसकी स्मेल्टिंग करेंगे, और उसके बाद जो स्मेल्टिंग का प्रोडक्ट होगा वो होगा मैटी। उस मैटी को फर्दर हीट करेंगे विद सैंड इन बेस्मराइजेशन, ठीक है। सो सैंड जो है वो स्मेल्टिंग में भी उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, और बेस्मराइजेशन में भी सैंड के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन स्मेल्टिंग में रिएक्शन होगा विद रोस्टेड ओर, और बेस्मराइजेशन में रिएक्शन होगा विद मैटी, जो कि हमारे पास स्मेल्टिंग का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप वाइज चलेंगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हुई ओर की, उसमें से इंप्योरिटीज रिमूव हुई, देन उसकी रोस्टिंग होगी, देन स्मेल्टिंग एंड देन बेस्मराइजेशन, राइट जी। और बेस्मराइजेशन के बाद जो हमें कॉपर ऑब्टेन होगा उसकी फिर हम रिफाइनिंग करेंगे, और उसको 99.9% प्योर कॉपर बनाएंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है जी, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑब्टेन हुआ था उसको हीट करना है इन एक्सेस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या है कि वहाँ से हम ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है जी। तो कैल्सो पाइराइट को हम डिस्कस कर रहे थे, कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कुप्रस सल्फाइड एंड फीरस सल्फाइड, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। सो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी विद द रिएक्टेंट, दैट इज एक्चुअली द कैल्सो पाइराइट और द कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी कॉपर सल्फाइड, फीरस सल्फाइड एंड SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, ये उड़ जाएगी, और बाकी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगी, दैट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS, ठीक है। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, याद रखिएगा, रोस्टिंग में Cu2S और FeS। अब इन्हीं का रिएक्शन होगा आगे स्मेल्टिंग में, ठीक हो गया। जो वोलेटाइल ऑक्साइड है SO2 वो उड़ जाएगा। अब आगे स्मेल्टिंग में क्या करना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आई हैं ना रोस्टिंग की, यानी जिसको हम रोस्टेड ओर का नाम देंगे, जिसमें हमारे पास कॉपर सल्फाइड है और फीरस सल्फाइड है, उसकी स्मेल्टिंग करेंगे हम, और ये होगी अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद सैंड। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मेल्टिंग और बेस्मराइजेशन दोनों के प्रोसेस में हम सैंड फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कोक है टू प्रोवाइड हीट एज अ फ्यूल। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसमें होगा क्या, रिएक्शंस को देख लेते हैं ज़रा। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो FeS है, जो कि हमारा किस, अब हम फीरस सल्फेट की पहले बात कर रहे हैं, इस स्लाइड में फीरस सल्फेट की बात करेंगे, अगली स्लाइड में कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। दो हमारे पास प्रोडक्ट्स आई हैं ना रोस्टिंग की, जो रोस्टिंग की पहली प्रोडक्ट है फीरस सल्फेट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू फीरस ऑक्साइड, ठीक है। फीरस ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन वोलेटाइल ऑक्साइड है, उड़ जाएगा। वोलेटाइल का मतलब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जो जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है। सो जो फीरस ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी विद सैंड। सैंड का फॉर्मूला क्या है जी, SiO2, और सैंड के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में यहाँ पर बनेगा स्लैग। ये स्लैग क्या है जी, FeSiO3, जो आप सेकंड रिएक्शन में यहाँ पर देख रहे हो, FeSiO3 आयरन सिलिकेट स्लैग बन जाएगा, ठीक हो गया। दिस इज अबाउट फीरस सल्फेट, ठीक है। सबसे पहले रोस्टिंग हुई, जो पिछला प्रोसेस हमने पढ़ा। रोस्टिंग में क्या हुआ कि जो कैल्सो पाइराइट था या जो कॉपर पाइराइट था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फीरस सल्फाइड बनाया, कॉपर सल्फाइड बनाया, और साथ में SO2 बनी, SO2 उड़ गई। फीरस सल्फाइड की पहले ऑक्सीडेशन होगी इन स्मेल्टिंग, ऑक्सीडेशन के बाद फीरस ऑक्साइड बनेगा, फीरस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सैंड के साथ और वो बना देगा स्लैग,
यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्लैग है वो लाइटर होता है और वो टॉप पर आ जाता है और उसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये स्लैग याद रखिएगा यहाँ पर बन रहा है जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फाइड की, जो कि हमारी प्रोडक्ट किसकी थी, रोस्टिंग की। रोस्टिंग में जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड बना है Cu2S बना जो है, जो वो अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शंस देख लें तो Cu2S फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज होगा इनटू Cu2O, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, वो उड़ जाएगी। ठीक हो गया। अभी जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर FeS के साथ, यानी जो FeS बच गई है रिएक्शन मिक्सचर में उसके साथ रिएक्ट करके ये अगेन Cu2S बना देगा और साथ FeO बना देगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मकसद क्या है? इस रिएक्शन का मकसद ये है कि इसमें जो Cu2S बनी है ये फिर से यही वाला रिएक्शन करेगी जो ये दो रिएक्शन हैं, यानी अगेन ये पहले रिएक्शन के रिएक्टेंट में चली जाएगी। और जो FeO बनी है ये हमारे जो पिछले रिएक्शन की प्रोडक्ट, जो आपने पिछली स्लाइड में रिएक्शन देखे, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगी सैंड के साथ और बना देगी स्लैग। समझ आ रही है आपको बात? यानी हमारे यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, Cu2S और FeS, दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ये जो हमारे पास मिक्सर आ रहा है Cu2S का, अगर मैं आपको यहाँ पर मज़ीद हाईलाइट करके बता दूँ, ये देखो इन रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास बन रहा है Cu2S। FeO ने यहाँ पर अगेन सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देना है। ठीक है, ये स्लैग हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास मेनली कौन सी दो चीज़ें रह गई, एक हमारे पास रह गया Cu2S और एक रह गया FeS, और इसके मिक्सचर को हम नाम दे रहे हैं मेटी का, जो कि 45% प्योर कॉपर है। राइट जी, यह आप लोगों को मिक्सचर नज़र आ रहा है, ये ब्लास्ट फर्नेस है स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर की, जिसमें यहाँ पर हम चार्ज करेंगे, यानी यहाँ पर हम डालेंगे अपना कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एयर ब्लास्ट है, यानी एयर की प्रेजेंस में चूँकि ये रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ से हमारा मेटी रिमूव हो रहा है। ठीक है, सो मेटी में क्या है, Cu2S और FeS, इन दोनों चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। Cu2S और FeS जो है हमारा, इसको हमने इस्तेमाल करना है नेक्स्ट बेस्मराइजेशन में। ठीक है, और स्लैग जो है, जो स्लैग बना है हमारे पास, वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो लाइटर है ना, तो वो ऊपर होगा, तो वो उसको हम रिमूव कर लेंगे एज इम्प्यूरिटी। ठीक है, यहाँ पर हम स्लैग को रिमूव कर रहे हैं बिकॉज स्लैग में जो है ना वो कॉपर नहीं है ना, तो हमें तो कॉपर चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए ना, तो जो कॉपर वाली चीज़ है वो मेटी में है, यानी Cu2S। अब यहाँ से हम कॉपर को निकाल लेंगे, Fe को अगेन ख़त्म कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। समझ आ रही है आपको बात? कि जो सल्फर है, तीन चीज़ें थी ना इसमें हमारे पास, जो कैल्सो पाइराइट था, जो कॉपर पाइराइट था, उसमें तीन चीज़ें थी, कॉपर, आयरन और सल्फर। सल्फर हमारे पास रिमूव हो रहा है एज SO2, आपने रोस्टिंग में भी देखा वो रिमूव हुआ, स्मेल्टिंग के भी दोनों रिएक्शंस में देखा आपने सल्फर रिमूव हो रहा है, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीज़ों को निकालते जा रहे हैं और कॉपर को अलग कर रहे हैं। जो आयरन था, आयरन ने फीरस ऑक्साइड बनाया फीरस सल्फेट से, और फिर उसने स्लैग बना दिया, स्लैग रिमूव हो जाएगा सैंड के साथ रिएक्ट करके, उसने स्लैग बना दिया, स्लैग अगेन रिमूव हो जाएगा, आयरन भी निकला। उसके बाद कॉपर का रिएक्शन हुआ, तो कॉपर ने क्या बनाया, कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड ने फर्दर फीरस से रिएक्ट करके दोबारा फिर से कॉपर सल्फेट बना दिया। ये कॉपर सल्फेट हमारे पास यहाँ पर आ गया, जिसमें से फर्दर हमने कॉपर निकालनी है। और जो आयरन था, जो हमारे पास FeO बना था पिछले रिएक्शन में, यहाँ पर जो FeO बना था, ये फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सैंड के साथ और स्लैग बना देगा, स्लैग अगेन रिमूव हो जाएगा, तो Fe फिर से रिमूव हो गया। यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कॉपर ज़्यादा आ रही है, आयरन भी ख़त्म हो रहा है, सल्फर भी ख़त्म हो रहा है। समझाइए आपको बात? अब हमारे पास ये आ गया क्या, मेटी। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं बेस्मराइजेशन के प्रोसेस में। अब बेस्मराइजेशन के प्रोसेस में जो मोल्टन मेटी है, पियर शेप का जो है बेस्मर कन्वर्टर में, उसको हमने फर्दर हीट करना है। ठीक है, वो पिवॉट में है तो वो उसको हम इजीली टिल्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर सैंड है, सैंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सैंड हम यूज़ कर रहे हैं आयरन को रिमूव करवाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। जब आयरन जो है, जो फीरस सल्फेट है हमारे पास, वॉक्सिंग से रिएक्ट करके फीरस ऑक्साइड बनाता है, और फीरस ऑक्साइड सैंड से रिएक्ट करके स्लैग बनाता है, और स्लैग की फॉर्म में हमारे पास आयरन रिमूव हो रहा है, सल्फर हमारे पास रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ SO2, और जो कॉपर सल्फेट है वो हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉपर इन बेस्मराइजेशन।
समझा गई बात। अभी तक हमारे पास मेल्टिंग तक जो कॉपर था वो इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट था, लेकिन अब बेसमलाइजेशन में हमारा जो कॉपर है, जो कॉपर सल्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉपर, राइट जी। सो आयरन के जो हमारे पास फेरस के रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास थे स्मेल्टिंग में, यानी अगेन जो FeS हमारे पास आया है स्मेल्टिंग में वो ऑक्साइड के साथ, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, और जो ऑक्साइड है वो सैंड से रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा, सेम रिएक्शन। लेकिन कॉपर वाला रिएक्शन फ़र्क है, बिकॉज यहाँ पर हमने कॉपर सल्फाइड को ख़त्म करके उसको कन्वर्ट करना है इनटू कॉपर, बिकॉज ये हमारा फाइनल स्टेप है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, राइट जी। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉपर सल्फाइड है वो फर्स्ट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कॉपरस ऑक्साइड बनाएगा, और जो कॉपरस ऑक्साइड है वो रिमेनिंग CO2 के साथ, CO2S के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आप बात करो तो ये वाला रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जो स्मेल्टिंग का है। स्मेल्टिंग बेसमलाइजेशन के तीन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, जाहिर है उसमें भी हम सैंड फ्लक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मेल्टिंग में भी और बेसमलाइजेशन में भी सैंड फ्लक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे पास है, हमारे पास स्मेल्टिंग के रिएक्टेंट्स वो रोस्टेड हो रहा है, यानी जो रोस्टिंग से हमें ऑब्टेन हुआ था CO2S FeS। जो बेसमराइजेशन है उसमें भी मैटी है, और मैटी में भी CO2S और FeS ही है, तो दोनों की रिएक्शन सेम है सिवाय इस रिएक्शन के। इस रिएक्शन में जो स्मेल्टिंग है वहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है विद FeS, ठीक है, FeS के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर FeS के साथ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते सारी की सारी जो Fe है वो रिमूव हो गई है बाई रिएक्टिंग विद सैंड एंड फॉर्मिंग स्लैग। समझ आ रही बात कि जो आयरन है वो सारी की सारी रिमूव हो गई है और वो कन्वर्ट हो गई है इनटू स्लैग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा या तो कॉपरस ऑक्साइड बच जाएगा या कॉपरस सल्फाइड बच जाएगा। तो कॉपरस सल्फाइड जो है कॉपरस ऑक्साइड बनाएगा, और कॉपरस ऑक्साइड जो रिमेनिंग कॉपरस सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर बना देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, सो हो ये रहा है कि सबसे पहले रोस्टिंग में क्या हुआ, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइंड करवा दूँ। रोस्टिंग में जो कैल्सोपाइराइड था वो कन्वर्ट हुआ इंटू कुप्रस सल्फाइड, फिर सल्फाइड SO2, SO2 उड़ जाएगा जहाँ पर भी बनेगा। फिर सल्फाइड कुप्रस सल्फाइड आए स्मेल्टिंग में, फिर सल्फाइड ने बना दिया फिरस ऑक्साइड, और फिरस ऑक्साइड से बन गया स्लैग, स्लैग रिमूव हो गया बिकॉज हमने आयरन को रिमूव करना है, कॉपर को ऑब्टेन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम कुप्रस सल्फाइड पे आ जाएं जो कि हमें मिला था रोस्टिंग में, कुप्रस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा इंटू कुप्रस ऑक्साइड, और कुप्रस ऑक्साइड देन रिएक्ट करेगा विद रिमेनिंग फेरस सल्फाइड और बना देगा FeO और साथ CU2S, ठीक है। FeO जो है वो हमारी प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज वो दोबारा से सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगी। वो रिएक्शन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो कॉमन सेंस है कि जो FeO है वो सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगी, तो FeO भी रिमूव हो रही है वहाँ से भी आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें बची, एक तो FeS बच सकता है और दूसरा CO2S बच सकता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? मैटी का। ये मैटी आ जाएगा अगेन बेसमराइजेशन में। यहाँ पर जो Fe है वो ख़त्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, और जो CU है वो कुप्रस ऑक्साइड बनाकर रिएक्ट कर लेगा रिमेनिंग CU2S के साथ, CU2O और CU2S के रिएक्शन के बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। और ये जो हमारे पास कॉपर ऑब्टेन हुआ, ये आपके पास बेसमराइजेशन की डायग्राम है, जो हमारे पास कॉपर ऑब्टेन हुआ है 98% प्योर कॉपर है, 98%। ये आपको यहाँ पर स्लैग नजर आ रहा है जिसको हम रिमूव कर लेंगे। ये मेटालिक कॉपर है नीचे जो हमारे पास बना है बेसमराइजेशन में। याद रखिएगा जो रोस्टिंग और स्मेल्टिंग का प्रोसेस है उसमें हमारे पास कॉपर नहीं बन रहा, उसमें हमारे पास कॉपर सल्फाइड है। यहाँ पर बेसमराइजेशन के प्रोसेस में जो कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है, जो कॉपर सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है टू कॉपर। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो आयरन है वो ख़त्म हो गई है और उसने स्लैग बना लिया है, राइट जी। यहाँ से हम एयर दे रहे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, ठीक है। ये पिवोट है जिसके गिर्द ये रोटेट कर सकता है, स्टील का बना हुआ है, राइट जी। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मोल्टन मेटल है, जो आपके पास यहाँ पर ये कॉपर था, ये जो मोल्टन मेटल है कन्वर्टेड टू सैंड मोल्ड्स, ठीक है, इसको हम सैंड मोल्ड्स में डालेंगे और उसको हम कूल करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब हम इसको कूल करेंगे तो इसके ऊपर से जो सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है, वो रिमूव होगी। जब वो गैस रिमूव होगी तो वो इस तरह के बबल्स छोड़ेगी, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे, तो ये बबल्स क्यों बने? क्योंकि इसमें से गैस रिमूव हुई है, ठीक हो गया। सो इन्हीं रिमूव होने की वजह से इसके ऊपर आ जाएंगे ब्लिस्टर्स, और इसको हम नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर का, इसी वजह से। इट इज़ 98% प्योर कॉपर। इस 98% से 99.9% तक जाने के लिए हमारे पास आ जाएगा अगला प्रोसेस, दैट इज़ रिफाइनिंग, एंड रिफाइनिंग विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू जी।